नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज बाली। आप इस समय देख सकते हैं चंडीगढ़ का ये 37 सेक्टर है, जहां से विजय सांपला जी पंजाब प्रधानगी की शपथ जो है वो उठाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहां का जो नज़ारा है वो बहुत अपने आप में ही एक अद्भुत बना हुआ है। यहां पर बैंड बाजा सब कुछ मौजूद है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने गले में अपना भगवा जो अपना एक उनका रुमाल है वो लपेटा हुआ है और काफ़ी खुशी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर जो इनके जो पोस्टर्स हैं, बैनर हैं, वो लगे हुए हैं, होर्डिंग्स वो लगी हुई हैं। पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। भवन को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है विजय सांपला जी के स्वागत को लेकर। और धीरे धीरे जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मीडिया जो है, मीडिया भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं ओबी वैम्स भी है यहाँ पर मीडिया कवरेज के लिए। तो ये अपने आप में एक आज ऐतिहासिक दिन तो है ही कि एक दलित नेता को इतना बड़ा जो पद है वो दिया जा रहा है। तो अपने आप में एक विजय सांपला जी के लिए तो गर्व की बात है ही। और बीजेपी जो जिस तरह से एक शुरू से कहती आ रही थी कि वो अपने पार्टी वर्कर्स को वो ऊपर तक लेके जाती है अगर वो ईमानदारी और मेहनत से जनता की सेवा करता है, तो जाहिर तौर पर ये उनको एक इनाम के तौर पर मिला है। अब जैसे ही विजय सांपला जी यहाँ पर आते हैं हम आपको सीधा लाइव यहाँ से करवाएंगे। तब तक नीरज बाली को दें इजाज़त।